नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, आई एम लेकर आया आपके लिए मैथ की क्लास, जो कि डेली हम आपके लिए 11 बजे लेकर आते हैं दोस्तों, रोज सुबह 11 बजे। तो दोस्तों, इसमें हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 2 - √3 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? दोस्तों, हमको क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 - √3। हमसे पूछा क्या है कि x माइनस 1/x की वैल्यू हमसे पूछी है। अब दोस्तों, हमको करना क्या हुआ इस प्रकार के क्वेश्चनों में, आपके दिमाग में आएगा क्या कि जो x यहाँ पर है, x की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे दोनों जगह x x की। लेकिन इससे दोस्तों आपका जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखें, x की वैल्यू तो हमको पता है, हम 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 1/x की वैल्यू क्या होती है, तो 1/x की वैल्यू होती है ये 2, हम यहीं लिखेंगे। जो सिंबल यहाँ पर किसका है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का √3। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो ये क्या हो जाता, माइनस का। बस दोस्तों, सिंबल चेंज हो जाते हैं जब इस प्रकार से हम रखते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी है, दोनों को हम पुट कर देंगे। तो x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 2 - √3, यहाँ पर क्या है, माइनस, फिर 1/x की वैल्यू क्या है, 2 + √3। अब दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी आएगा, तो 2 - √3 - 2, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -√3। अब -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या, -√3 - √3, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -√3। दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अगर आप पहले तरीके से करेंगे, जैसे कि आप वैल्यू को पुट करेंगे इसमें जाकर, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे, तो दोस्तों आप कैलकुलेशन में रख जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, और दोस्तों इनकी पूरी संभावना है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों, कितने में खरीदी, यानी 70,000 रुपए में, क्रय मूल्य क्या है, 70,000 रुपए। अब उसमें 5,000 रुपए का दोस्तों क्या हुआ है, अतिरिक्त व्यय हुआ, यानी कि उसमें कोई मशीन है, उसमें 5,000 रुपए उसने लगा दिए, संवरवाने में लगा दिए होंगे, कोई खराबी होगी इस मशीन में। अब 15% कम में खरीदता, यानी इसके 15% कम में, तो 15% यानी कितना लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 3/20 दोस्तों, यानी 20 रुपए पर कितने कम हो गए, 3 रुपए कम हो गए। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 होगा तो उस पर कितने कम हो जाएगा, यानी कि 3 रुपए कम हो जाएंगे, तो लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है, 70,000, तो 20 बराबर कितने हो जाएगा, 70,000 के कितने गुना ज्यादा हो गया, 3,500 गुना ज्यादा। अब दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम निकाल सकते हैं कि वो अगर 15% इसका कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि 20 में से 3 घटा देंगे तो कितना आया, 17, तो 17 का जब इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ये भी 3500 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 59,500। कितना हो गया, 59,500 में अगर हम खरीदते, 15% कम कितना हो गया, 59,500। अब दोस्तों, इसमें 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया है, 59,500 कितने जोड़ देंगे हम, 5,000 रुपए, जब इसमें 5,000 रुपए जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 64,500। अब वो क्या कर रहा है, अब इसको हम बेचे तो 15% लाभ कमाएंगे, तो वो विक्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कितने में इसको बेचे तो हम 15% लाभ कमाएंगे। दोस्तों, अब हम निकाल सकते हैं यहां से 15%, तो 15% बराबर क्या हमने बताया, 3/20। दोस्तों, अब यहाँ पर 20 क्या है, तो दोस्तों 20 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 64,500, कितना 64,500,
कितने गुना ज्यादा हो गया? तो दोस्तों ये हो गया हमारा 3, 2, 5 यानी 3225 रुपए। अब इसका ये 23 गुना कितना हो जाएगा? 20 रुपए पर 3 ज्यादा फायदा कर रहे हैं हम, तो कितने दोस्तों ये हो जाएगा 23। तो ये भी हमारा 3225 हो जाएगा। अब जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो गया? 74175। कितना? 74175 रुपए हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रहीम ने 45 रुपए पर केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 केजी की दर से बेचे। यह इस अवधि दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपए पर केजी की दर से बेचे, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कितने संतरे हैं? 20 केजी यानी 20 किलो। कितने खरीदे? 45 रुपए पर केजी यानी 45 रुपए एक किलो। तो 20 किलो कितने के हो जाएंगे दोस्तों? 20 किलो हमारे कितने के हो जाएंगे? 900 रुपए के। कितने? 900 रुपए के। अब बेचेगा वो कितने में? 54 रुपए में। लेकिन दोस्तों कितने बेचेगा? 20 किलो बेचना है उसको, लेकिन उसमें से जो 1.5 किलो 1.5 केजी है, 1.5 केजी यानी 1.5 किलो संतरे हमारे क्या हो गए? खराब हो गए। तो अब वो खराब संतरे उसने कितने रुपए में बेचे? 10 रुपए किलो के हिसाब से, तो 10 का इसमें कर देंगे हम गुणा, तो कितने रुपए में बेच दिए? 15 रुपए में। 15 रुपए में 1.5 किलो बेच दिए। अब 20 किलो में से रह कितने गए? तो ये रह गए 18.5। कितने? 18.5। तो कितने हो जाएगा जब इसका मूल्य निकालेंगे? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 999 रुपए। कितना? 999 जब इसका इसमें गुणा करेंगे। और 999 में तो 18.5 किलो बेच दिए, 1.5 किलो 15 रुपए बेच दिए, तो कितने हो गए टोटल रुपए हमारे? 1014। कितने? 1014 रुपए। तो यानी कितने रुपए हमने कमा लिए उससे? 1014। और थे वो कितने रुपए के? खरीदे हमने कितने में? 900 रुपए में। यानी कितना फायदा हो गया? 114 रुपए का। कितने पर? 900 रुपए पर। तो दोस्तों हमको क्या हुआ? लाभ ही तो हुआ है पर। तो 114 कितने पर? 900 पर। गुणा 100% के लिए तो 0 से काट देंगे। अब इसको काट देंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 और 8 यानी 38, और 3 से ये 3 बार। तो क्या आ गया हमारा? 38/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? कोई नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन से मिलाने के लिए फिर और काट देंगे तो 12 ये हमारा हो जाएगा आंसर, 12/2/3%। दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों हो सके तो वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? तो दोस्तों अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो x मान ले संख्या को, क्या x मान ले संख्या को, तो x वाले मेथड से पहले करके बताते हैं। तो दोस्तों x का 1/5 कितना हो जाएगा? x/5। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि इसी संख्या का 2/3, तो x का 2/3 कितना हो जाएगा? 2x/3। अब इन दोनों का कर दें क्या? गुणा। क्या कर दें? गुणा। x/5 गुणा 2x/3। दोस्तों इनका अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा? 480 यानी 480 रुपए। अब दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू 2x यानी 2x² और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 बराबर 480 यानी 480। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x² बराबर 480
इंटू 15 अपॉन 2, दो से इसको काट देंगे तो कितना हो जाए 240। अब दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर हमारा कितना आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3600। तो दोस्तों x स्क्वायर बराबर 3600 हो गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60 यानी 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके से आपको बताते हैं दोस्तों, दूसरे तरीके से इसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें हम एक्स नहीं मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे, मानना तो पड़ेगा दोस्तों, तो क्या मानेंगे, तो इसमें दिया हुआ है 1/5 और 2/3 यानी कि 1/5 और 2/3। अब हम ऐसी कौन सी संख्या माने कि जो इन दोनों से कट जाए। तो दोस्तों यहां पर नीचे क्या दिख रहा है 5 और यहां पर कितना है 3, दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आया 15। तो हम संख्या क्या मान लेते हैं 15 मान लेते हैं। अब 15 का 1/5 कितना हो जाएगा 3 और 15 का 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों का हम कर देंगे गुणा, 3 × 10 तो कितना हो गया ये 30। लेकिन 30 नहीं है, कितना प्राप्त हो रहा है हमको 480। अब दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ, कितने गुना 16 गुना ज्यादा, लेकिन ये संख्या यहाँ पर दो बार आई है, ये 15 यहाँ पर है 15 यहाँ पर है और इन दोनों का हुआ क्या है गुणा, तो जो संख्या है वो स्क्वायर है ये, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना 4। कितना मानेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 का, तो ये 4 यानी 4 का गुणा करना होगा हमको इसमें, किसका 4 का गुणा। तो दोस्तों 15 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आया 60, यानी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्यों, क्योंकि दोस्तों ये 15 दो बार आई है संख्या, जैसे हमने x माना था तो x x का जब मल्टीप्लाई हो गया था तो x स्क्वायर आ गया था, इसी तरह 15 दो बार आई है तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है उसका हम स्क्वायर रूट लेकर चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन होगा सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर यानी 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं एक यहां पर ए, एक ये बी, यानी दो स्टेशन है और यहां से रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चल दी, क्या एक दूसरे की ओर चल दी 200 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कितनी दूरी है इन दोनों स्टेशनों के बीच, कितनी 200 किलोमीटर की दूरी। अब दोस्तों बोल क्या रहा है कि दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं और 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, कहां पर 110 किलोमीटर की पर। तो दोस्तों हम मान लेते हैं ए कहां पर, तो दोस्तों अब ये कहां पर आकर मिल रही है 110 किलोमीटर पे आके मिल रही है एक स्टेशन से, यानी एक स्टेशन से कितना 110 किलोमीटर। अब दोस्तों हम अगर एक चीज देखें तो ये वाली कहां पर आएगी 90 किलोमीटर, कितना चला हुआ 90 किलोमीटर और इसमें 110 किलोमीटर चला है। अब इन दोनों के बीच हम रेशो निकाल लेंगे, तो दोस्तों ये डिस्टेंस का रेशो है 110 और 90, किसका डिस्टेंस का, जब हम इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/9। तो दोस्तों हमको पता है कि जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो हमारा स्पीड का रेशो होता है, कैसे, तो दोस्तों आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब यहां पर अगर टाइम कांस्टेंट है यानी टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो दोस्तों स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, यानी जिस प्रकार से स्पीड रहेगी उसी तरह से डिस्टेंस रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टाइम, अगर टाइम स्पीड और टाइम का पूछता तो दोस्तों ये उल्टा रेशो हो जाता, 9 और 11 में चेंज हो जाता, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस का रेशो कैसा रहता सेम। तो दोस्तों यही हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x अपॉन टू वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन सेवन है, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 14 अपॉन 19 का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमको दिया क्या हुआ है, x अपॉन टू वाई बराबर कितना है 6 अपॉन सेवन, और x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 14 अपॉन 19। अब दोस्तों यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, x अपॉन y करें तो ये 2 जो है ये यहां पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 7। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 12 है, और y की कितनी हुई 7। तो यहां पर हम रख देंगे x की जगह पर 12 है और y की जगह पर 7। यहां पर भी इसी प्रकार से x की जगह पर कितना हो जाएगा 12 है और y की जगह पर 7 प्लस 14/19। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो गया 19 प्लस 14/19, जब इसको सॉल्व करें तो 19/19 जब यहां से काट देंगे तो कितना आया 1, कितना आया 1। यानी दोस्तों ऑप्शन में अगर हम देखें तो 19/19 दिया हुआ है, ये काटा नहीं है, तो दोस्तों क्या हो गया हमारा, फिर हम इसको काटते ही नहीं है, जब ऑप्शन आंसर हमारा इसी प्रकार से दिया हुआ 19/19, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रेस मेटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी। यदि एक सूट पर एक सूट वर का कपड़ा 2750 में बेचा गया, दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों कितना अंकित किया गया है, मान लेते हैं हम 100 रुपए थी, उस पर अंकित कितना किया गया 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा 125। अब 125 पर उसने कितनी छूट दी है, 12 रुपए 12% की, कितने की 12%, तो इसका हम 12% निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 12% हम इसका निकालेंगे, तो दोस्तों ये कितने से कट जाएगा, तो ये 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 से जब काटेंगे तो 5, और 25 से इसको काटेंगे तो कितना आया 4 से इसको काट देंगे तो कितना 3, तो ये यानी 15, जब 15 इसमें से घटा देंगे तो कितने में बेचती, तो दोस्तों 15 जब इसमें से घटा देंगे तो ये 110 रुपए में बेच रहा है, कितने में 110 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक सूट वर्क 2750 रुपए में बेचा गया, कितने में 2750 में, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों अब हम यहां से देखेंगे कितने कितने गुना ज्यादा ले रहा है ये, तो दोस्तों 110 यहां पर हमारा आ रहा है, लेकिन ये बेच कितना रहा है वास्तव में 2750 में, तो कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुना ज्यादा, कितने 25 गुना ज्यादा, इसको हम यहां से मिटा देते हैं, तो दोस्तों ये 25 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा हमारा, दोस्तों अंकित मूल्य निकालने के लिए इसमें हम 25 का गुणा कर देंगे, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि लाभ कितना होगा, तो दोस्तों लाभ अगर हम निकालें तो कॉस्ट प्राइस तो यही था हमारा 100 रुपए, तो इसमें हम 25 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 2500 रुपए, कितना 2500 रुपए, और बेची कितने हमने 2750 में, यानी कितने रुपए का फायदा हुआ है 250 रुपए का, कितने रुपए का फायदा हुआ है 250 रुपए का। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपए ब्याज मिला, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं, कोई दो तरीके नहीं है दोस्तों, बस ये है कि ये फॉर्मूला है, एस आई बराबर क्या है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, आप सभी को पता होगा, पहले भी इसको लिखा चुके हैं।
दोस्तों इस प्रकार से इस फॉर्मूले में लगाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा है कि 1200 रुपए उसको क्या मिली है, ब्याज कितने, 2 वर्षों में, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, तो हमको पता है 600 रुपए, कितनी हो जाएगी 600 रुपए। 600 रुपए कितने पर मिले हैं, 12000 रुपए पे, कितने पर, 12000 रुपए पे। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे कितना हो जाएगा, दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 0 से ये, और 12 से जब इसको काटेंगे तो कितना, 5, यानी 5% वार्षिक ब्याज हो गई, कितनी, 5% वार्षिक ब्याज हो गई। दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 12 डिवाइड ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4। दोस्तों ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इतने सरल लग रहे होंगे आपको कि ये क्या क्वेश्चन है। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी लोग गलतियां करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिया गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड नहीं, क्या करेंगे, ब्रैकेट, क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। दोस्तों 12 यहाँ पर डिवाइड, ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, अब डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, अब डिवाइड, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा 32 माइनस 4, अब जोड़ देते हैं इसको तो 34 माइनस 4 कितना आ गया 30। कितना सिंपल है, बहुत ही आसानी से हो गया दोस्तों ये। तो अगर ऐसे क्वेश्चन ना दें तो फिर जो जिनके बहुत ही कम नंबर आते हैं वो भी तो कुछ नंबर लाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उनका भी थोड़ा हौसला बना रहे और हम बढ़ते रहें। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।